हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेता जी की कुकिंग चैनल। माइक्रोवेव किचन का एक बहुत एसेंशियल इक्विपमेंट है जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आज मैं आपके साथ करीबन 8 माइक्रोवेव फूड रेसिपीज शेयर करने वाली हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि इसी तरीके की रेसिपीज मैं आपके सामने ला सकूं। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। बैंगन भूनने के लिए गैस को गंदा करने की जरूरत नहीं है। उस पर इस तरीके से आधा टीस्पून ऑयल लगा दीजिए। अब एक फोक की मदद से बैंगन को चारों तरफ से इस तरीके से प्रिक कर दीजिए। अब हम अपने बैंगन को 8 मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव कर लेंगे। जब तक बैंगन माइक्रोवेव में भुन रहा है तब तक आप टेंशन फ्रीली अपने बाकी के काम निपटा सकते हैं। लीजिए, अब आप इसका भरता बनाएं या चोखा, एंजॉय। पॉपकॉर्न खाने का मन हो तो 1 टेबलस्पून पॉपकॉर्न माइक्रोवेव सेफ बोल में डाल दीजिए। इसमें मक्खन, घी या ऑयल डाल दीजिए, अपने पसंद के मसाले डाल दीजिए। अब हम इनको एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट से ढक करके 2 मिनट के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव कर लेंगे। अपने पसंद के मसाले अगर आप चूज करेंगे तो आप किसी भी फ्लेवर के पॉपकॉर्न कभी भी बना सकते हैं, क्लासिक, सॉल्टेड या पेपरिका। लीजिए, पॉपकॉर्न तैयार है, एंजॉय। व्हाइट सॉस पास्ता इन अ मग। इसे बनाने के लिए हम 1/4 मैकरोनी पास्ता एक मग में डाल देंगे, 1 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, मिक्स कर देंगे और अब हम इसको 3 मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव कर लेंगे। बीच बीच में इसको 1 और 2 मिनट के इंटरवल्स पे इस तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि हमारा पास्ता इवनली कुक हो। इस समय अगर आप चाहें तो इसे और हेल्दी बनाने के लिए इसमें बहुत सारी बारीक कटी हुई सब्जियां भी डाल सकते हैं। लीजिए, हमारा पास्ता और स्वीट कॉर्न तो बॉइल हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, नमक, 1/2 कप दूध, 1 टीस्पून पास्ता सॉस और ओरिगैनो और 1/4 टीस्पून मैदा। अब हम इन सभी चीजों को मिक्स कर देंगे और अब हम इस मिक्सचर को 1 मिनट के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना यम बना है, एंजॉय। पुलाव इन अ मग। तो इसे बनाने के लिए हमने 1/4 कप चावल को धो करके मग में ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई सब्जियां। मसालों में नमक, हल्दी पाउडर और काली मिर्च भी डाल देंगे और फिर हम डालेंगे 1/2 कप पानी। अब हम इसको 5 मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव कर लेंगे। बीच बीच में पास्ता की ही तरह इसको हिलाते जरूर रहेंगे वरना पानी बॉईल होके बाहर गिर सकता है। लीजिए, पुलाव फॉर वन तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून घी, मिक्स कर देंगे। अब आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसको टॉप कर सकते हैं अपनी पसंद के अचार के साथ, एंजॉय। सीले हुए बिस्किट्स को वापस से क्रंची बनाने के लिए इस तरीके से इनको पेपर नैपकिन के ऊपर रख लें और फिर इनको 30 सेकंड के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव कर लें। लीजिए, हमारे क्रंची बिस्किट्स तैयार हो गए हैं। मखानों को रोस्ट करने के लिए इन्हें एक माइक्रोवेव सेफ बोल या प्लेट में रख लें और फिर 2 मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव कर लें। लीजिए, बिना झंझट के आपका टी टाइम स्नैक तैयार हो चुका है। अब अगर आपको मखाना नमकीन खानी हो तो अपने रोस्टेड मखाने में डालें 1/2 टीस्पून घी, 1/2 टीस्पून शहद, नमक, लाल मिर्च पाउडर, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें और फिर 30 सेकंड के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव कर लें। शुरू में शहद हल्का पिघला रहेगा मगर आधे मिनट बाद शहद कुरकुरा हो जाएगा और हमारा मखाना नमकीन तैयार हो जाएगा। ऑमलेट इन अ मग।
इसे बनाने के लिए एक अंडे को माइक्रोवेव सेफ बोल में फोड़ लीजिए। अब इसमें डालिए कटी हुई सब्जियां, नमक और काली मिर्च। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको एक मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव कर लेंगे। लीजिए, नाश्ता तैयार है, एंजॉय। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल के कुछ और वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, मेरे ब्लॉग चैनल के लिए यहाँ क्लिक करें और मेरे किड्स चैनल को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।